क्या यूपी पंचायत चुनाव में हुई वोटों की हेराफेरी। अच्छा, लेकिन आरओ साहब, वो 700 वोटों से चुनाव तो जीता हुआ है ना हमारा प्रत्याशी? हाँ बिल्कुल जीता, जो है कहीं पर आप पूरा भरोसा रखिए आप। ठीक है ना, आप उनसे खुद पूछ लीजिए कि मैंने मरियम क्या काम किया है। पहले जीतने वाले उम्मीदवार अचानक कैसे हार गए, ये वो सवाल हैं जो यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद उठ खड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले ग्रामीण इलाकों से आए नतीजों ने सत्ताधारी बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। बीजेपी महज 580 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, तो समाजवादी पार्टी 781 सीटों के साथ यूपी की सियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं बहुजन समाज पार्टी महज 361 सीटें ही जीत पाई। ग्रामीण जनता ने तो कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया और कांग्रेस महज 59 सीटें ही जीत पाई है, जबकि अन्य के खाते में 1269 सीटें गई हैं। लेकिन इन नतीजों के साथ साथ ये भी आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने वोटों की गिनती में जमकर धांधली की है। आजाद समाज पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक कई दलों ने आरोप लगाया कि पहले उनके उम्मीदवार को जीता हुआ बताया गया और बाद में वोटों की गड़बड़ी कर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जिता दिया। यूपी आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष फैजल लाला ने तो बाकायदा एक ऑडियो क्लिप जारी कर दावा किया कि पीलीभीत में वार्ड नंबर 20 से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद जफर 700 वोट से चुनाव जीते थे, जिसकी पुष्टि खुद रिटर्निंग ऑफिसर ने की थी, लेकिन बाद में विधायक के दबाव में बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया। हेलो हेलो जी, आरओ साहब बोल रहे हैं पीलीभीत से? बोल रहा हूँ। मैं फैजल खान लाला बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी बताइए। एक हमारी 20 नंबर वार्ड की डिटेल कुछ आपके पास अभी रुकी हुई है, जिसकी वजह से प्रमाण पत्र जारी होने से रह गया है। 700 वोटों से हमारे प्रत्याशी अभी हमारे यहाँ जो है फीडिंग चल रही कंप्यूटर पे, ठीक है ना, जो प्रोफार्मा है जी, इसमें प्रोफार्मा दिए गए, जब तक प्रोफार्मा कम्प्लीट होंगे तब तक हम जिला मुख्यालय पर रिपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन आरओ साहब, वो 700 वोटों से चुनाव तो जीता हुआ है ना हमारा प्रत्याशी? हाँ बिल्कुल जीता, जो है कहीं पर आप पूरा भरोसा रखिए आप। ठीक है ना, आप उनसे खुद पूछ लीजिए कि मैंने मरियम क्या काम किया है, वो बताएंगे खुद ही आगे। कोई रिकाउंटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं होने दी, मैंने समझ लीजिए आप। मतलब हमारे प्रत्याशी को प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा ना, चाहे भले आज ना हो, देर रात में हो जाए, कल हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन अगर इस ऑडियो में कही गई बातें सच है तो ये बेहद गंभीर मामला है। आम आदमी पार्टी के अलावा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी ने भी चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, यूपी पंचायत चुनाव में आए जनादेश को भाजपा स्वीकार नहीं कर पा रही, इसीलिए सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के जीते हुए प्रत्याशियों को जबरन हरा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। दुखद है कि चुनाव आयोग और सरकारी महकमा कठपुतली बना हुआ है। याद रहे कि यूपी में योगी सरकार 1 साल की है। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, जिला अम्बेडकर नगर में वार्ड नंबर 10 से एएसपी प्रत्याशी राजेंद्र गौतम जी बहुमत से जीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। ये लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अम्बेडकर नगर जिला संगठन के साथ ही तैयारी करें, अपने अधिकार छीनने नहीं देंगे। चंद्रशेखर ने आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर में भी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कुल मिलाकर यूपी में हुए 3 स्तरीय पंचायती चुनावों के नतीजों ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ जनादेश दिया है, लेकिन अगर इस तरह की धांधलेबाजी हुई है तो ये ना सिर्फ लोकतंत्र के साथ मजाक है, बल्कि यूपी की जनता के जनादेश के साथ भी धोखा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।